नमस्कार। जैसा कि आप सभी गुजर समाज के लोगों को पता है कि हमारी ही कौम के एक युवा भाई देवा गुजर की निर्मल हत्या हुई है, और वो हत्या करने वाला कोई और नहीं हमारी ही कौम का बच्चा है। और कभी कभी मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है कि एक ऐसे लड़के की हत्या हुई है जो भले ही देवा डोन के नाम से फेमस लोगों ने कर दिया वीडियो, क्योंकि हंसी मजाक की वीडियो बनाना और वीडियो बनाने की और सब जगह जाना भक्तिभाव वाला, मैंने कई उसके वीडियो देखे हैं, और बंदा भगवान में आस्था रखने वाला और भक्तिभाव वाला बंदा, जैसे अभी चार बजा का कुछ वीडियो मैंने उनका देखा है, कई जगह वो अपनी पत्नी जो उनके दो पत्नियां थे उनके साथ जाता था और बच्चे जो है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मुझे ये बड़ा अफसोस और दुख हुआ कि हमारी कौम के लोग, अगर आप किसी से दोस्ती करते हो, दोस्ती के अंदर साथ रह के जो है इस तरह का, जो गुजर कौम तो बहादुर कौम है, अगर किसी पे भी हमला करती तो पीछे से वार करने की गुजर कौम में परंपरा नहीं है। अगर वो किसी से दुश्मनी भी है तो ललकार के वार करती है और कभी नहीं रहते और अकेले व्यक्ति पे कभी वार नहीं करती। मगर जिस प्रकार से मैंने देखा, वीडियो देखा है, 15-15, 20-20 आदमी ने मिलकर जिस प्रकार अकेले आदमी पे, निर्थे आदमी के ऊपर जो उसकी हत्या की गई है, बड़ा अफसोस है। मैं अखिल भारतीय गुजर महासभा संगठन की तरफ से, समस्त गुजर समाज की तरफ से बड़ा गुजर समाज में बड़ा रोष है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारी कौम के लिए जो कावत कृतार्थ होती है कि गुजर गुजर को मारे के मारे करतार, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे ही लोग, हमारे अपने लोग जो है, हमारी जो थोड़ा सा भी 19-20 बात हुई तो फटाफट हम दुश्मनी को उतराते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। उससे अन्य समाज आज इस कांड के बाद देख रहा कि आपस में कहीं उदाहरण मेरे पहले भी देखने को मिले हैं, जहां हमारे लोग आपस में ही जमीन के बंटवारे को लेकर या अन्य कहीं चीज के लेकर जो है आपस में उलझ पड़ते हैं और ऐसे क्रोध में आकर, जोश में आकर इस तरह की जगन हत्या कर देते हैं, जो बहुत ही गलत है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ, इससे हमारी कौम की छवि खराब होती है। अब हम किससे लड़े, किससे बोले? जिस लड़के को उसने सपोर्ट किया, एक भाई की तरह माना, मैंने कहीं वीडियो उसको देखे हैं, गाड़ी में साथ घुमा रहा था, गाड़ी में साथ ले जा रहा था, हमारा गाड़ी वो खुच रहा था, साइड में सीटें बिठा रखा था। ऐसे लोग, ऐसे दोस्त अगर इस दुनिया में है तो ऐसे दोस्तों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इससे युवाओं को एक सबक लेना चाहिए कि दोस्त का जो शब्द है वो बहुत ही गहरा है, दोस्ती की मिसाल बहुत ही गहरी है। दोस्त कृष्ण और सुदामा थे, दोस्ती का कोई पैसे से या उससे नहीं होता है, यारी तो यार से होती है, मगर जिस प्रकार से आपका सबसे नजदीकी व्यक्ति ही आगे जाके आपका बहुत बड़ा दुश्मन बनता है, इसके सावधान रहे, दोस्ती सोच समझ के करे, किससे आप साथ उठना बैठना है आपका, उसके नेचर क्या है, उसके बारे में आप जानकारी करें, पूरी तसल्ली करने के बाद दोस्त बनाए, और थोड़ा सा सावधान, मतलब जिस प्रकार की आप को शंका थी, जैसे कि मैंने देखा कि उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन थाने में दी है कि भाई मुझे जान से खतरा है, तो जब आपको जान से खतरा है या जब आपको ऐसा एहसास हो रहा है तो आपको भी सावधान रहने की या उनको भी सावधान रहने की जरूरत थी। मगर कहते हैं ना कि आदमी जब कोई भी चीज़, मतलब एक्स्ट्रा आदमी की जो चीज़ होती है कि हम, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसका नुकसान भुगतना पड़ता है, जो आपने देखा है। अगर वो थोड़ा सा भी सावधान होता या इस टाइप की दुश्मनी अगर है तो आपको सचेत रहना पड़ेगा, जिस टाइप का आप काम करते हो, जिस टाइप की आपकी लाइफस्टाइल है, तो आपको सावधान तो रहना पड़ेगा। आज हमारी कौम का एक लड़का जिसका हंसता खेलता परिवार, हमको सबसे ज्यादा उसके परिवार की चिंता है, उस परिवार का क्या होगा जिसके बच्चे हैं छोटे छोटे, मैंने उनके बच्चे आए 4 बजे मंदिर में दुकान से वो मिठाई के पैकेट या कुछ खाने के पैकेट उनको दे रहा था, मुझे बड़ा बड़ा ही अफसोस है
कि ऐसे मतलब जिसके छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा, जिन जिनकी दो पत्नियां हैं बेचारी उनका क्या होगा। तो कृपया हम लोग समाज के लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग समझें क्यों आपस में अपने खून अपने ही परिवार के ऊपर अपने ही लोगों के ऊपर आप इस तरह की हरकत करते हो। समय खराब है बड़ा, बहुत ही आज जो कलयुग है ये कलयुग के अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी का कुछ नहीं होता है। इसलिए सावधानी से रहे, प्रेम से रहे और ज़्यादा इन चीज़ों में मतलब ज़्यादा आज फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना कब मतलब आप थोड़ा सा हेरोगिरी करते हो, आगे जाके उसका अंजाम क्या होता है उस अंजाम के बारे में नहीं सोचते हो। जोश में होश होने की हमारी कौम के लोगों को जरूरत नहीं है। और मैं आपको आज लाइव आकर जो ये वीडियो बनाया है उसके पीछे भी मेरा मकसद ये है कि गुर्जर समाज में ऐसे थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने भाइयों के साथ ऐसी हरकत ना करे, ऐसे जघन्य अपराध ना करे और अपनी औकात पे जल्दी आ जाना ये एक अच्छी बात नहीं है। जिन लोगों ने हत्या की उनको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, उनको तो प्रशासन सरकार पुलिस कार्रवाई करके दंड मिलेगा, मगर आगे से इस जो जघन्य हत्या हुई है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसीलिए आप सभी लोगों से, समाज के लोगों से, आम जन से, आम किसान से यही निवेदन करता हूं कि दोस्ती सोच समझ के करें, दोस्त सोच समझ के बनाए और सावधान रहे और कोई ऐसा गलत काम नहीं करें जिससे मतलब आने वाले समय में आपके परिवार को या आपके समाज को उसका लिए नीचा देखना पड़े या आपको मतलब बुरा लगे। इसलिए इस लाइव के माध्यम से मैंने मेरी बात रखी है, सभी लोग मिलजुल के रहे, कानून अपना काम करेगा, जरूर जिन लोगों ने गलती करी उनको सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए संगठन पूरी ताकत के साथ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो समाज का हो या अन्य समाज का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन्होंने जघन्य हत्या करी है उनको दंड मिलेगा और मिलना भी चाहिए ताकि लोगों में उसकी अवशेष जाए। और जिन लोग जो लोग आगे भी इस टाइप के समाज के जो हमारे कौम के लोग हैं वो सावधान रहे और अपना समाज के प्रति अपना भाव रखे, समाज में सेवा में अपना भाव रखे, शिक्षा मतलब जागृति शिक्षा में लाए, बच्चों को पढ़ाए, एजुकेशन में काम करें, समाज के हित में काम करें ताकि हमारी कौम आगे बढ़े। अभी हाल में हमने बहुत बड़ा दुख सहन किया है, आदरणीय कर्नल करोड़ सिंह जी बेसला साहब जो हमारे गुर्जर समाज की आन बान और शान थे, आज वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। ठीक है, तो ये एक दूसरा लड़का हमको और मिला है जिन्होंने अपनी सूती हुई कौम को जगाने का उन्होंने काम किया और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उस महान आत्मा कर्नल करोड़ी सिंह जी बेसला के लोगों में के प्रति उनकी मतलब जो सोच थी कि हमारी कौम के बच्चे भी आगे आए, हमारी कौम के बच्चे पढ़े, पढ़ लिख के उन तक जाए ताकि मतलब जो हमारे शिक्षा में हम अपनी बच्चियों को पढ़ाए, उनका विशेषकर समाज को जो आज आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, कितनी लड़ाई उन्होंने इस उम्र में, आदमी जो है दो दिन में अपनी बहुत से लोग नेतागिरी का शौक होता है अपनी नेतागिरी करते हैं, मगर सच्चे दिल से समाज की सेवा करना ही बहुत बड़ी बात है। वो कर्नल साहब ने करके साबित किया, उसका लोगों ने आपने देखा है हिंदुस्तान में शायद ऐसी जब उनका मतलब जब उनका दाह संस्कार हुआ तो लोगों ने हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में जो है लोग मतलब आपको रास्ता देखो आप बड़े प्रशासन सरकार सब हिल गई कि देखो ये कितना मतलब कितनी लोगों के प्रति उनके प्रति श्रद्धा। इसलिए ऐसा काम करें, समाज हित में काम करें, हमारी कौम को आगे बढ़ाने का काम करें और अच्छे प्रकार से भाईचारा से रहे। छोटी छोटी चीज़ें, जिंदगी छोटी सी है, इन जिंदगी में अपना